खेसरिया के बेटी के, खेसरिया के बेटिया के हम आगे क्या है उस वीडियो के माध्यम से सुनिए, आपको भी शर्म आ जाएगा। इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी गाना, आखिर कहां हो सकती है? वो भोजपुरी में हो सकती है। भोजपुरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर तरह को आपको गाना सुनने को मिलेगा। किसी के माँ को लेकर के गाना गाना हो तो भोजपुरी में ले लीजिए, बहन को, बेटी को, जो भी करना है, कहते हैं कि बेटी रोटी जो भी चाहिए आपको भोजपुरी में मिलेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप। सुनने वाला ही जिम्मेदार होता है, गाने वाला तो गाएगा, क्योंकि सुनने वाला अगर सुनना चाहता है तो गाने वाला गाएगा। आप जो खाना पसंद करेंगे होटल में वही खाना परोसा जाता है, वही है कि जो आप गाना सुनना चाहेंगे वही गाना लोग गाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखिए और बताइए इसमें गलती किसकी है। भारत में ये दो जो वीडियो चल रहे हैं, जो मीम्स के तौर पे वीडियो चल रहा है, जैसे एगो टेंगे टेंगे करके और दूसरे ये माय बीरवा वाला तेरा माइका, ये दो वीडियो बिहार में कुछ इस तरह से ट्रेंड किया कि लोगों ने इस पे गाना तक बना दिया। और गाना बनने के बाद अब एक दूसरे की माँ बहन पे उतर आए हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं तो टेंगे टेंगे और तेरी महावीरवा तेरे माई के वाला में खेसारी लाल यादव ने एक गाना बनाया। हालांकि खेसारी लाल यादव ने जब गाना बनाया था तो किसी के पर्सनली उन्होंने टारगेट नहीं किया, किसी प्रकार का कोई टारगेट नहीं था। बस उस मीम्स पे उन्होंने गाना बनाया, उनको ये लगा होगा कि भाई लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा रहेगा और लोगों ने उसको प्यार दिया। उसी के बीच अब एक एक बंदा आता है जिसका नाम आप जानते हैं, शायद आजकल सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, जिसका नाम है मिथुन कुशवाहा। मिथुन कुशवाहा ने ही उसी गाना को जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव को माँ बहन को टारगेट कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि माँ बहन का टारगेट के साथ साथ उनकी जो नाबालिग की बेटी है उस बेटी को टारगेट कर दिया, उस बेटी के लिए गा दिया। उस गाना को एक बार देखिए, सुनिए, थोड़ा सा मैं क्लिप सुना रहा हूँ, देखिए। आप इस गाना को सुन करके आपको भी खून खौल उठा होगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। वो तो आप ही बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। खेसारी लाल यादव जी ने गलत किया या सही किया तो आप भी बताएंगे। मेरे नजर में देखियो, खेसारी लाल यादव एक गाना गाए थे, हालांकि वो गाना गलत थोड़ी सी है, उस मीम्स के ऊपर गाया था, किसी को पर्सनली उन्होंने टारगेट नहीं किया था। लेकिन इस बंदे ने, ये मिथुन कुशवाहा ने, और सबसे बड़ी बात कि इसको गलती का एहसास भी नहीं है। लोग इसको पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा गाना क्यों गाया, कह रहा कि हम अश्लीलता को खत्म करते हैं। मतलब अश्लीलता को खत्म करने के लिए तुम इतनी गंदी गाना गाओगे? और कह रहा कि जो करना है, जिसको जो करना है करो, हम नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। नहीं डरते तो FIR के लिए तैयार हो जा, जेल जाने के लिए तैयार हो जा, जेल तो जाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने किया ही ऐसे है। बाकी आप लोग भाई जवाब दीजिए, बताइए कि ये जो किया है गलत किया है, सही किया है, इसके साथ क्या होना चाहिए। खेसारी लाल यादव के साथ गलत हुआ है।